वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया नंबर एक पर हुई विराजमान तो हिल गए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। इंडिया की तबाही वाली जीत ने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को मुश्किल में डाला, दोनों के बाहर होने का बड़ा संकट मंडराया। टीम इंडिया की जीत से पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल हुआ खराब। दो टीमों को छोड़कर तीन टीमों के बीच नंबर तीन और चार की लड़ाई। जी, वर्ल्ड कप 2023 के 37वें और सबसे डेंजरस मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रनों के हिसाब से वनडे में उसकी सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाते हुए 8वीं जीत दर्ज कर ली है। बीते कल के दिन कोलकाता के मैदान पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जैसे ही हराया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की नींद गायब हो गई। बताते चले, कल के दिन टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 326 का स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 83 रनों पर लुढ़क गई। इंडिया ने ये मुकाबला 243 रनों से जीत लिया, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल के समीकरण ने पूरा खेल खराब कर दिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को बड़ी टेंशन सता रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गहरे टेंशन में है वो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। अब तक सिर्फ दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाई हैं, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम शामिल है। बताते चले कि मुकाबले से पहले कई तरह के बड़े सवाल भी उठ रहे थे और ऐसी बातें आ रही थी कि इंडिया को अगर कोई हरा सकता है तो वो है साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम इंडिया ने इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए रिकॉर्ड रनों से जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका को करारी हार दी। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाले तो टीम इंडिया पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे पर न्यूजीलैंड है। ऐसे में अब जो सेमीफाइनल का समीकरण बन रहा है उसमें पाकिस्तानी टीम के लिए चिंता की बात है। श्रीलंका जो कि सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, न्यूजीलैंड अगर उसे पटखनी देने में कामयाब होता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान की चिंता बढ़ जाएगी और सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर रन रेट को देखा जाए तो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफी शानदार है। वहीं अगर श्रीलंका उलटफेर करने में कामयाब होती है तो समझ लो ये तय है कि पाकिस्तान को श्रीलंका की टीम एक बड़ा तोहफा देगी और पाकिस्तान को चौथे स्थान के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिल जाएगा। वहीं डकवर्थ लुइस नियम से पाकिस्तान भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर ले, लेकिन उसे अगले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भिड़ना है। ऐसे में इंग्लैंड भी पाकिस्तान की पार्टी खराब कर सकती है और न्यूजीलैंड को मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए हालात करो या मरो वाले हैं, लेकिन करो या मरो के बाद भी कोई सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या बाहर हो सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात यह है कि उसके खिलाफ कोई उलटफेर ना हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भिड़ना है। दोनों टीमें कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। दोनों टीमों में से ऑस्ट्रेलिया अगर कोई एक मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो समझ लो ऑस्ट्रेलिया थर्ड पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। मुश्किल और पेच फंसने वाली लड़ाई चौथे स्थान के लिए होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का थर्ड पोजीशन तय माना जा रहा है। दूसरा पाकिस्तान को करो या मरो के साथ उसकी किस्मत भी उसे सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में।